नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर रोज राशिफल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले घंटे बटन को जरूर दबाएं, ताकि राशिफल रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, आज का इस वीडियो का मुख्य विषय है शनि की साढ़े साथी। जी हाँ दोस्तों, यह विषय बहुत ही मुख्य और गंभीर है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शनि की साढ़े साथी 2020 में धनु मकर कुंभ से शुरू होकर शनि की ढैया 2020 में मिथुन तुला राशि पर लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम शनि की साढ़े साथी से लेकर दे रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया जीवन में अत्यधिक परिवर्तन ला देती है। साल 2020 की शुरुआती में ही शनि का गोचर होने जा रहा है। शनि 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में गोचर करेगा। शनि के गोचर के साथ कुछ राशि वालों को शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी, तो वही कुछ राशि वाले जातकों पर शनि की साढ़े साथी और शनि के ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया के कारण पारिवारिक जीवन, कार्य क्षेत्र, धन आदि क्षेत्रों में अधिक समस्या उत्पन्न होती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो राशियां जिन पर शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शनि के साढ़े साथी का प्रभाव 2020 में किस तरह और कौन से राशियों पर पड़ेगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं शनि साढ़े साथी 2020 कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शनि इस समय 11 भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन साल 2020 में शनि इन राशि वालों के 12वें भाव में गोचर करेगा, जिसके अनुसार कुंभ राशि वालों पर शनि के साढ़े साथी का प्रभाव शुरू हो जाएगा। शनि साढ़े साथी का प्रभाव से इस राशि वालों के खर्चों में अधिकता होगी। इस राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति भी इस समय में खराब हो सकती है। वही इन्हें शत्रु भी अधिक परेशान कर सकते हैं और इन्हें नौकरी में भी अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। भाग्य का साथ इस समय इस राशि वालों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस समय कुंभ राशि वालों को संयम से काम लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसका अब मकर राशि पर यानी कि शनि की साढ़े साथी का मकर राशि पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए शनि इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहा है। मकर राशि वालों पर शनि के साढ़े साथी का प्रभाव पहले से ही है, लेकिन साल 2020 में शनि इस राशि में गोचर कर रहा है, जिसके अनुसार शनि मकर राशि के पहले भाव यानी लग्न भाव में गोचर करेगा। इस राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके अनुसार इन लोगों का अपने छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस समय खराब हो सकता है और जीवन साथी के साथ कलह भी रह सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शनि साढ़े साथी का प्रभाव धनु राशि पर किस तरह से पड़ने वाला है। धनु राशि वालों के लिए शनि इस समय लग्न भाव में गोचर कर रहा है। धनु राशि पर साढ़े साथी का प्रभाव पहले से ही है, लेकिन साल 2020 में शनि इस राशि के दूसरे भाव में गोचर करेगा। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। धनु राशि के जातकों को इस समय में धन लाभ हो सकता है, लेकिन इनका अपने स्वास्थ्य पर अधिक खर्च हो सकता है। धनु राशि के लोगों को इस समय भवन आदि के निर्माण में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस राशि के लोगों को इस समय अपनी माता के स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लाभ के लिए भी इस राशि के लोगों को अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शनि का ढैया 2020 में कौन से राशियों पर प्रभाव डालने वाला है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं शनि का ढैया 2020 में मिथुन राशि पर किस तरह से प्रभाव डालने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए
शनि इस समय सातवें भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन साल 2020 में शनि इस राशि वालों के आठवें भाव में गोचर करेगा। आठवें भाव को मृत्यु का भी भाव कहा जाता है। शनि के इस राशि में आने से लोगों पर अष्टम की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, जिसके अनुसार इस राशि वालों की वाणी में कटुता आ जाएगी, जिसकी वजह से इस राशि को लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। वही शनि कार्य क्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपने उच्च अधिकारियों से इस समय इनका झगड़ा भी हो सकता है। इस समय इन लोगों में गुस्से की अधिकता बढ़ सकती है, इसलिए इस राशि के जातकों को कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शनि ढैया का साल 2020 में तुला राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि के लिए शनि इस समय तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन साल 2020 में शनि इस राशि वालों के लिए चौथे भाव में गोचर करेगा। चौथे भाव में शनि के गोचर से इन राशि के जातकों को पर भी चतुर्थ की दहिया प्रारंभ हो जाएगी। शनि के गोचर के कारण इस राशि के लोगों को कई पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है। इन लोगों को इस समय में इनके शत्रु भी अधिक परेशान करेंगे। तुला राशि के लोगों पर इस समय काम को बोझ अत्यधिक रहेगा, जिसकी वजह से यह अधिक तनाव महसूस करेंगे। शनि की ढैया के कारण इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य की उनको समस्याएं उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, इस तरह से शनि की साढ़ेसाती 2020 में धनु मकर कुंभ से होगी शुरू और शनि की ढैया 2020 में मिथुन तुला राशि पर लगेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।